पेट्रोल डीजल की महंगाई के साथ इस साल गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि 11 महीने में घरेलू सिलेंडर के दाम 205 रुपए और कमर्शियल के दाम 668 रुपए बढ़े हैं। होटल व रेस्टोरेंट में कमर्शियल सिलेंडरों का उपयोग 4% घटा है। साल 2021 की शुरुआत में जहां घरेलू सिलेंडर 771 रुपए में मिल रहा था, वो आज 976 रुपए हो गया है। और सब्सिडी देखें तो 150 से 55 रुपए पहुंच गई है, जो उपभोक्ता के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। महंगाई से बचने के लिए लोग इलेक्ट्रिक इंडक्शन व अन्य उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि इस दीपावली इंडक्शन व इमर्शन रोड की बिक्री बढ़ी है। हाँ सर, हम बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, क्योंकि धीरे धीरे गैस बढ़ता बढ़ता 1000 की टंकी हो चुकी है। अब महिलाएं इतनी परेशान हैं कि वो घर कैसे चलाए, उनका पूरा मैनेजमेंट बिगड़ चुका है। मोदी जी से बहुत शिकायत है, क्योंकि वो औरतों की तरफ देख ही नहीं रहे कि उनका घर कैसे चल रहा है। बस वो बड़े बड़े ऐलान कर देते हैं, और बाकी रसोई का हालात उनको मालूम ही नहीं है कि रसोई में किस तरह के हालात हो रहे हैं औरतों के साथ। अच्छे से मतलब वो जो बचत होती थी वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है मोदी जी के कारण। और दालें महंगी हो चुकी है, मेन बात तो जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसी के कारण सभी औरतों को कठिनाई हो रही है, सभी को शिकायत है। और हम तो ये कहते हैं कि कम से कम औरतों के ऊपर तरस खाए वो, और देखे कि देश किस तरफ जा रहा है। महंगाई के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा देश के अंदर, सिर्फ और सिर्फ महंगाई दिख रही है। जी हाँ, 1000 की टंकी हो गई तो ये सबसे महंगी चीज़ तो यही है कि 1000 की टंकी हो गई। जब चूल्हा जलेगा तभी तो खाना बनेगा, तो उन्होंने मेन चीज़ें थी वही महंगी कर दी, उसके बगैर इंसान जी भी नहीं पाता है। जी हाँ बिल्कुल, अब तो लकड़ी की तरफ जाना जरूरी हो गया ना। 1000 रुपये मतलब गाँव की महिलाएँ देखो, कम से कम भी हमारे महल में तो कम से कम अभी आप जाके देखोगे ना तो 20 चूल्हे वापस से चालू कर दिए। एक इतना सा मेला उसके अंदर 20 चूल्हे चालू हो गए, तो गांव की क्या स्थिति होगी। इंडक्शन चूल्हे की बहुत ज़्यादा अधिक डिमांड है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन इंडक्शन के काफ़ी सेल रहा है इस बार, कारण के गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और घर का सब बजट बिगड़ चुका था, इसलिए इसमें थोड़ा सा इनकी बचत हो जाती है महिलाओं की। तो इस हिसाब से इस बार हमारा सेल काफ़ी अच्छा है इंडक्शन का, बाज़ार में भी काफ़ी खूब चले हैं इंडक्शन। और गैस के बढ़ते दामों को देखते हुए लोग बहुत से टंकियाँ भी बंद कर दी, गैस चलाने बंद कर दिया, लोगों ने बहुत परेशान है महिला है। गैस के बावजूद देखते हुए ये डिमांड बहुत दिन पे दिन ज़्यादा होती जा रही इंडक्शन की, और अब धीरे धीरे लोग बाग उसके भी जो पहले चलते थे 32 जो बंद हो गए थे बिल्कुल, पर अब उसकी भी थोड़ी डिमांड चल रही है। तो अब 1000 रुपये की अब टंकी हो गई, तो इसलिए पहले तो बांटे फ्री में, और अब टंकी 1000 हो गई तो अब बेचारा कैसे भराएंगे, कैसे करेंगे उसको। क्या लोगों का रुझान इंडक्शन चूल्हे का बढ़ रहा है? हाँ, इंडक्शन चूल्हे की तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया अब तो रुझान, अभी काफ़ी देखते हो काफ़ी सेलिंग बढ़ गई इंडक्शन चूल्हों की, बाजार में भी बहुत डिमांड है इंडक्शन चूल्हों की। यही है कि अभी वर्तमान में गैस की प्राइस बढ़ती जा रही है, और आप लोगों को पता है कि गैस के भाव जो है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से घटते बढ़ते हैं। भारत सरकार ने काफ़ी टाइम से जो है ये काम जो है कंपनी को दे दिया है, कंपनी अपने अग्रिम सौदे जो होते हैं उसके हिसाब से वो अध्ययन होता है और उसके हिसाब से भाव तो बढ़ते हैं। और अभी ये बात सही है कि काफ़ी टाइम से भाव बढ़ते जा रहे हैं, और भाव बढ़ने की वजह से बड़ नेचुरल है कि जनता जो है उसका उपयोग जो है सावधानीपूर्वक कर रही है, या कुछ हिस्से में कम भी हो गया है। और हम लोगों का जो रिफिल सेल देखते हैं उसमें भी हमें पता लगता है कि लगभग 2000 सिलेंडर पर मंथ जो है सेल डाउन हुआ है, और बेसिक हम लोग उसमें जाते कारण से तो ये पता लगता है कि वो भाव बढ़ गए, इसलिए आदमी इस तरफ से जो है डाइवर्ट हो रहा है। एक्चुअल में अगर अपन देखा जाए तो आज भी गैस जो अगर सब खर्चे जोड़ेंगे और उसके प्लस में आप माइनस देखेंगे तो गैस आज भी सस्ता ईंधन है। ऐसा लगता जरूर है कि 980 रुपये की टंकी हो गई, 1000 रुपये लोग गिनते हैं, लेकिन अगर बिजली का देखते हैं बिजली भी सस्ती नहीं है, और अगर लकड़ी कंडा ये देखते तो उसके टोटल अगर कास्ट जुड़ जाएगी, उसकी लाने की मजदूरी और रखने का साधन और उसका धुआं और उसकी बीमारी और उसके जो साइड इफेक्ट हैं उन सब का अगर अपन गिनती लगाएंगे तो निश्चित रूप से आज भी गैस एक सौदा जो है फायदेमंद है और स्वस्थ ईंधन है। भारत सरकार भी चाहती है स्वस्थ ईंधन का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, लेकिन भाव जो बढ़ रहे हैं उसके प्रति जनता का आक्रोश एक तरह से है। हम लोग जब सिलेंडर सप्लाई करने जाते हैं तो महिलाओं का आक्रोश हमको झेलना पड़ता है कि बहुत महंगी कर दी है, लेकिन एक अच्छी खबर अभी है कि इसमें सब्सिडी वापस चालू हो रही है। हाँ आती है ना, बोलने में सुनने में आता है, जैसे हमारी बुकिंग कम होती है, हम लोग बुकिंग जो काफ़ी टाइम से बुकिंग में उन लोगों को हम फ़ोन से संपर्क करते हैं कि भाभी जी आपका नंबर बुक नहीं हो रहा 3 महीने से, तो वो लोग यही नाराज़ी जाहिर करते हैं कि भाई साहब बहुत महंगी कर दी टंकी। इवन उज्ज्वला वाले ग्राहक हमसे नाराज़ होते हैं कि आपने पहले तो फ्री में टंकी बांटी और अब गैस के भाव बढ़ा दिए, तो आक्रोश तो जनता का रहता ही है। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।